स्टैंडर्ड 12th अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं? तो साझेदारी का पुनर्गठन जिसमें साझेदार होते हैं और उनके जो लाभ हानि के अनुपात में बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं? साझेदारी का पुनर्गठन। अब साझेदारी के पुनर्गठन के कई कारण होते हैं, जैसे कि चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन आ जाए। जैसे मान लो कि ए बी साझेदारी पेड़ी चला रहे और उनका अनुपात 1:1 है, यानी 1:1 है। अब उन्होंने ये नक्की किया कि अब हम अनुपात बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने मान लो कि 2:1 कर दिया। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो अनुपात बदलने से किसी को त्याग करना पड़ेगा और किसी साझेदार को लाभ होगा, ये एक रीज़न है। साझेदारी पीढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश होता है तब भी हमें अनुपात बदलना पड़ेगा। जैसे ए बी दो जन पीढ़ी चला रहे, अगर हमने सी को प्रवेश दिया तो अब सी को भी भविष्य में हिस्सा देने पड़ेगा। इसके लिए फिर हमें साझेदारी पीढ़ी में जो लाभ हानि का अनुपात है उसके अंदर हमें बदलाव करना पड़ेगा। तीसरा रीज़न है, चालू साझेदारी पीढ़ी में से साझेदार की निवृत्ति या साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो हमें लाभ हानि का अनुपात फिर से बदलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, तीनों रीज़न को हम अलग अलग तौर पे बताएंगे। जैसे कि ए और बी साझेदारी पीढ़ी चला रहे, इनका अनुपात पुराना 1:1 है और नया अगर हमने कर दिया, उन्होंने दोनों की सहमति थी कि हमें अनुपात चेंज करना है, कई सालों से 1:1 चल रहा था तो अब उन्हें बदलना है, तो उन्होंने 2:1 कर दिया, यानी 2:1 कर दिया। तो अब क्या होगा, किसी को त्याग करना पड़ेगा और किसी को लाभ होगा। या तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी ये दो साझेदार पीढ़ी चला रहे और सी को हमने यहाँ पे प्रवेश दिया, तो अब भविष्य में अब ये तीसरा पार्टनर भी इन लोगों के साथ काम करेगा। अब ये तीसरा पार्टनर काम करेगा तो भविष्य में अब इसे भी लाभ दे बांटना पड़ेगा। तो अब पहले दो लोगों के बीच लाभ बांटते थे, अब तीन लोगों के बीच लाभ बांटा जाएगा, तो यहाँ पे अनुपात अब फिर से बदलना पड़ेगा। तीसरा रीजन है ए बी और ये प्लस सी था, बराबर, ये तीन साझेदार है, बराबर है। अब सी पीढ़ी में से निवृत्त हो जाता है, यानी फिर निकल जाता है, या तो फिर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले तीन लोगों के बीच में अनुपात बांटा जाता था, अब सी निकल जाने से अब फिर से कितने लोगों के बीच में अनुपात बांटा जाएगा? दो लोगों के बीच में। तो इसी तरह से लास्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछाया था, 1 मार्क्स में विभाग बी में कि साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन किस कारण से होता है। तो उसके अंदर आंसर हमें ये लिखना है कि भिन्न कारण सर साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन होता है। जैसे कि मैंने आपको तीन रीजन बताए, एक तो लाभ हानि के यानी चालू साझेदारों के बीच में लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन, बराबर, दूसरा है प्रवेश और तीसरा है निवृत्ति या मृत्यु, ये तीन रीजन है, बराबर, लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, दूसरा रीजन है प्रवेश
और तीसरा रीजन है मृत्यु या निवृत्ति। ये आपको एक मार्क्स में पूछ सकते हैं विभाग बी में। इस चैप्टर में से आपको टोटली एक छोटा क्वेश्चन बराबर यानी एक छोटा प्रश्न और तीन मार्क्स का बराबर तीन मार्क्स का एक विभाग सी में, ये विभाग बी में और ये विभाग सी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कंपलसरी पूछा जाएगा। अब इस चैप्टर में दो सूत्र है, अब इस चैप्टर में टोटल कितने सूत्र है, दो बराबर, और वो दो सूत्र के आधार पर ही हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सूत्र है दोस्तों त्याग का भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग बराबर। तो पुराना भाग तो साझेदारों का लाभ हानि का पुराना भाग और साझेदारों का लाभ हानि का नया भाग बराबर। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिनेंगे। तो जैसे कि देखो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर एक है, राम श्याम और घनश्याम एक साझेदारी पेड़ी में समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर यानी राम श्याम और घनश्याम ये तीन साझेदारी पेड़ी चला रहे थे। अब इन तीनों ने क्या किया है कि अब लाभ हानि समान हिस्से में पहले बांटते थे, ये समान हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार थे यानी इनका पुराना अनुपात क्या था, 1:1:1। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3:2:1 करना निश्चय किया। तो इस संजोग में साझेदार ने कितना त्याग किया वो बताइए, यानी हमें त्याग का अनुपात ढूंढना है। अब हमें त्याग का अनुपात ढूंढना है तो त्याग का सूत्र है हमारे लिए, साझेदार ने किया त्याग, साझेदार ने किया त्याग इज इक्वल पुराना भाग माइनस नया भाग। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें तीन साझेदार दिए गए, एक राम श्याम और घनश्याम, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब पुराना भाग यानी तीनों के बीच में पुराना भाग क्या था, 1:1:1 बराबर यानी 1/3 1/3 1/3। नया भाग बराबर 3/6 2/6 और 1/6। अब इसको आप एलसीएम लेके भी गिन सकते हो और क्रॉस गुणाकार करके भी गिन सकते हो, जैसे 6:1 6 3 3 9 -9 और 6 3 18। 6 में से 9 गए कितने बचे, 3 -3/18। 6 × 1 6 3 2 6 और यहाँ पे आएगा 18 बराबर। तो यहाँ पे होगा 6 में से 6 गए 0, 6 × 1 6 3 × 1 -3 और यहाँ पे 18। 6 में से 3 गए कितने बचे, 3/18। अब
इसको आप काट के भी लिख सकते हो, जैसे 6 * 18 यानि -1/6 और यहाँ पे +1/6। अब अगर माइनस में आंसर आता है तो ये क्या होगा? लाभ, और ये होगा त्याग। तो यहाँ पे घनश्याम ने 1/6 भाग का क्या किया है? त्याग किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनश्याम ने 1/6 भाग का त्याग किया। और किसी दोस्त को ये समझ में ना आया हो कि ये 1/3 कैसे आया, तो यहाँ पे और मैं गिनती अलग से बता रहा हूँ दोस्तों, कि पुराना भाग राम, श्याम और घनश्याम 1:1:1, तो इन सबका टोटल क्या होगा? 3, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। और नया भाग क्या है? 3, 2 और 1, टोटल कितना हुआ? 6, यानी 3/6, 2/6, 1/6। उसी तरह से दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भावेश, विपुल और हिरल एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे लाभानी 2:2:1 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम भावेश, विपुल और हिरल, ये 3 साझेदार है। यहां पे लिख दिया मैंने पुराना भाग 2, 2 और 1, तो इन सबका टोटल कितना होगा? 5। नया भाग है हमारा। तो सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभानि वितरण का प्रमाण 2:3:1 कर दिया है। कितना कर दिया दोस्तों? सॉरी 3:2:1 कर दिया है, 3:2:1 कर दिया है। तो टोटल कितना होगा? 6। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है त्याग का प्रमाण, तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे साझेदारों का त्याग। बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे पुराना भाग माइनस नया भाग, 3 साझेदारों के नाम लिखेंगे हम भावेश, विपुल और हिरल। तो पुराना भाग 2/ कितना होगा? 5, 2/5, 1/5। उसी तरह से माइनस, और यहाँ पे 3/6, 2/6, 1/6। अब आप इसको क्रॉस गुणाकार करके भी आंसर ज्ञात कर सकते हो, 6 × 12, 5 * 3 = 15 और 1/2 गुणा करेंगे 6 * 5 = 30, यानी कितना होगा? 30, 6 × 12, 5 × 10 और यहाँ पे 30, 6 × 5 = 30। यहाँ पे लिखेंगे -3/30, 2/30 और यहाँ पे 1/30। देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक ही साझेदार ने त्याग किया था। अब यहां पे क्या है? सिर्फ एक ही साझेदार को लाभ हुआ है और 2 साझेदार को त्याग करना पड़ा है। लाभ हानि का अनुपात
में बदलाव के कारण। तो यहां पे लिखेंगे विपुल और हिरण क्रमशः 2/30 और अनुपात 1/30 त्याग किया। यानी विपुल और हिरल ने क्रमशः 2/30 भाग का और 1/30 भाग का त्याग किया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, उसी तरह से त्याग का अनुपात ढूंढने वाला। पूनम, धवल और कोमल एक पीढ़ी के साझेदार है, उनके बीच लाभ हानि का अनुपात 3:2:1 का है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले पूनम, धवल और कोमल, पुराना अनुपात 3:2:1, 3:2:1 टोटल 6, नया अनुपात। एक दो दो यानी टोटल होगा 5। अब यहां पे सूत्र लिख देंगे साझेदारों का त्याग। पुराना भाग माइनस नया भाग। अब तीनों तीन साझेदारों के नाम लिखेंगे, पूनम, धवल और कोमल। पुराना भाग यानी 3/6, 2/6, 1/6 माइनस करेंगे 1/5, 2/5, 2/5, 5 × 15, 6 × 1 यानी 6, 6 × 5 30, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, 5 × 1 = 5, 6 × 2 = 12 और यहाँ पे 30, 15 × 6 = 9/30, 10 × 12 = -2/30, 5 × 12 = -7/30। यानी यहाँ पे 2 लोगों को लाभ हुआ और एक ही साझेदार है जिसको त्याग करना पड़ा। यहाँ पे त्याग, लाभ और लाभ। यानी हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि पूनम ने 9/30 भाग का लाभ किया। अब हम बात करेंगे दोस्तों लाभ का भाग की। जैसे लाभ का भाग यानी फिर से ये भाग, यानी इसके अंदर इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सूत्र है और उसी 2 सूत्र में से किसी एक सूत्र का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स में विभाग सी में, और वो कंपलसरी है साझेदारों का लाभ। अब यहां पे सूत्र आगे पीछे हो जाएगा, जैसे पहले पुराना भाग माइनस नया भाग था, अब यहां पे नया भाग माइनस पुराना भाग।
अब एग्जाम्पल नंबर चार, जैसे कि दोस्तों देखो यहां पे ध्रुविल, गोपी, मुकुंद एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। उनका लाभ हानि का प्रमाण यानि पुराना अनुपात कितना है? 1:1:1। तो यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तीनों तीन साझेदारों का नाम लिखेंगे, ध्रुविल, गोपी, मुकुंद। पुराना भाग 1:1:1 यानी एक का अनुपात टोटल होगा 3। और हमें भविष्य में सभी साझेदारों ने लाभ हानि के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 1, 2, 3 करना निश्चय किया, यानी नया भाग 1, 2 और 3 टोटल हिस्सा होगा 6। अब हम इसको सूत्र के आधार से गिनेंगे। साझेदार का लाभ नया भाग माइनस पुराना भाग, ध्रुविल, गोपी और मुकुंद। नया भाग यानि 1/6, 2/6 और यहां पे लिखेंगे 3/6 माइनस पुराना भाग 1/3, 1/3 और 1/3। अब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों, 3 × 1 = 3, 6 × 1 माइनस 6, 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6/18, 3 × 3 यानी टोटल हो गया 9, 6 × 1 = 6/18। अब यहाँ पे माइनस 3/18, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3/18। अब जैसे कि हमने त्याग में देखा था दोस्तों के जैसे यहाँ पे प्लस में आता है तो त्याग होगा और अगर माइनस में आएगा तो लाभ, उसी तरह से सूत्र चेंज हो जाने के कारण जो लाभ का भाग है उसके अंदर जो माइनस में होगा वो त्याग होगा और जो प्लस में होगा वो लाभ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्याग और ये लाभ। अब जैसे कि हमें सूत्र में यहाँ पे पूछा गया कि हमें लाभ का भाग ज्ञात करना है तो हम लाभ के बारे में लिखेंगे। अगर हमें सूत्र में ऐसे पूछा जाता है कि त्याग का भाग ज्ञात करना है तो हम त्याग के बारे में लिखेंगे कि किसने कितना त्याग किया, और लाभ के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ हम लाभ के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुकुंद 3/18, आपको इसको काटना है तो आप ये से भी लिख सकते हो 6 × 3 = 18 यानी 1/6 भाग का लाभ हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। उसी तरह से दोस्तों यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा गया है जैसे ध्येय, सिद्धि और प्राप्ति एक साझेदारी पीढ़ी के 1:1 और 1 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1:3:3 निश्चय किया, यानी ये नया भाग है और ये पुराना भाग है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए, कौन सा प्रमाण? लाभ का। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ध्येय, सिद्धि और प्राप्ति,
तीनों तीन साझेदारों का नाम लिख देंगे। यहाँ पे पुराना भाग और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों नया भाग। जैसे ध्येय सिद्धि और प्राप्ति, उनका पुराना भाग है दोस्तों 1:1:1, यानी टोटल हिस्सा होगा 3। अब नया भाग है 1:3:3, टोटल होगा 7। अब लाभ का भाग ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे साझेदारों का लाभ, नया भाग माइनस पुराना भाग। यहां पे लिखेंगे तीनों तीन साझेदारों का नाम, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति। ध्येय नया भाग कितना है 1/7, 3/7, 3/7, 1/3 पुराना भाग, 1/3, 1/3, 3:1, 3, 7:1, 7, 7 × 21 3:3, 9, 7:1, 7 और 7 × 21, 9 माइनस 7/21। +2/21 और 2/21, यानी यहाँ पे जब माइनस में आता है तो क्या होगा त्याग, और यहाँ पे लाभ, लाभ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही साझेदार को लाभ हुआ था, जिसका नाम था मुकुंद। आप देख सकते हो 3/18 बराबर, आप 1/6 इसको काट के भी कर सकते हो, आगे भी बताया था, और आपको अगर नहीं काटना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो सिद्धि और प्राप्ति को क्रमशः 2/21, 2/21 यानी समान लाभ मिला है, बराबर। तो सिद्धि और प्राप्ति को क्रमशः 2/21, 2/21 लाभ हुआ, यानी आप इसको समान है तो आप इसे लिख भी सकते हो लाभ का भाग, लाभ का अनुपात भी लिख सकते हो, लाभ का भाग भी लिख सकते हो, बराबर समान है यानी 1:1 भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सागर, सरिता और पलक एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है, उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3:3:2 है, जो वो बदल कर भविष्य में कितना करना चाहते हैं 1:1:1, और हमें लाभ का भाग ज्ञात करना है और इसके अंदर त्याग का भाग भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें ज्ञात करने के लिए बताइए, तो हम दोनों चीज अलग अलग तरीके से ज्ञात कर लेंगे, बराबर है। लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ किसी भी लाभ का भाग पूछा जाएगा या तो फिर त्याग का भाग पूछा जाएगा, और आपकी आंसर शीट में जब क्वेश्चन नंबर पूछा जाए तो चेक इसी तरह से होगा, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 पॉइंट है, जैसे पूनम 9/30, धवल 2-2/30, कोमल 7/30। तो यहाँ पे परीक्षक जब चेक करता है आंसर शीट आपकी, तो 1, 2 और ये 3 टिक, यानी 3 टिक आपकी सही होगी, ये 3 आंसर सही होगे तो आपको यहाँ पे से 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। कैसे, यहाँ पे आपको 3 टिक के 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे, यहाँ पे 1, 2 और 3। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करें। सबसे पहले सागर सरिता, सागर सरिता और पलक, यहाँ पे पुराना भाग और यहाँ पे नया भाग। पुराना भाग हमें दिया गया है 3 3 2, यानी टोटल हिस्सा कितना होगा 8, और यहाँ पे 1 1 1, यानी टोटल हिस्सा 3। हमें लाभ का भाग ढूंढना है। लाभ का भाग भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको दिखा गया है, लिख के बताया गया है साझेदारों का लाभ, तो आप इसे भी लिख सकते हो लाभ का भाग। नया भाग माइनस पुराना भाग, सागर सरिता और पलक। नया भाग 1/3 1/3 1/3 माइनस 3/8 3/8 2/8। क्रॉस गुणाकार करेंगे हम, 8 × 1 8, 3 × 3 9 8 × 3 24, 3 × 1 3 सॉरी 8 × 1 8 3 × 3 9 और / 24, और यहाँ पे 8 × 1 8 3 × 2 6 और यहाँ पे 24। माइनस 1/24 माइनस 1/24 और यहाँ पे 2/24। जैसे कि माइनस में आया तो यहाँ पे क्या होगा, त्याग त्याग, और ये लाभ। और यहाँ पे अब पलक को लाभ हुआ है कितने, 2/24, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप पलक को 2/24। आप इसे भी लिख सकते हो 1/12 भाग का लाभ हुआ। जैसे काट के आप 1/12 भी लिख सकते हो, और 2/24 अगर आपको नहीं काटना है तो 2/24 भी लिख सकते हो। अब इसी तरह से अगर आपको त्याग का भाग ज्ञात करना है, तो आप फिर से ये इस क्वेश्चन में दो शर्तें पूछी गई है, यानी लाभ का भाग और त्याग का भाग, तो आप दोनों तरह से गिन सकते हो त्याग का भाग। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाए उसी टाइप से आपको गिनना होगा,